एक ऐसा थ्रिलिंग क्रिकेट मैच जिसे देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। इनिंग के आखिरी गेंद पर हुआ मैच का फैसला। बता दूं कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज चल रही है। वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में गजब का रोमांचक T20 इंटरनेशनल मैच देखने को मिला, जहां मैच में न्यूजीलैंड ने विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के सामने 216 रनों का लक्ष्य रखा था। बता दूं कि आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी, जबकि आखिरी गेंद पर 4 रन लग रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने टिम साउथी की गेंद को बाउंड्री के बाहर चौका लगाते हुए जीत दिलाई। बता देखिए, इस धमाकेदार मुकाबले में टोटल 431 रन बने। इतना ही नहीं, इस टोटल मुकाबले में पूरे 30 छक्के पड़े। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने 44 गेंदों पर 72 रन बनाए, तो वही टिम डेविड ने 10 गेंदों में नाबाद 31 रनों की पारी खेली और एक समय असंभव दिख रही जीत को संभव किया। आपको बता दूं कि पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 215 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से ऑलराउंडर रचित रविंद्र ने विध्वंसक पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 68 रनों की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर देवन कॉनवे ने 46 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। उनके अलावा फिन एलोन ने 17 गेंदों में 32 रन ठोके। इस पारी में उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाज एडम झाम्पा सबसे महंगे रहे। उन्होंने अपने 3 ओवर में 42 रन दिए, जबकि पैट कमिंस ने अपने 4 ओवर में 43 रन दिए। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तूफानी अंदाज में अपने बैटिंग की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उनके विकेट लगातार गिरते रहे। हालांकि आखिरी में कप्तान मिचेल मार्श ने 44 गेंदों में 2 चौके और 7 छक्के उड़ाते हुए नाबाद 72 रनों की पारी खेली, जबकि दूसरी छोर से टिम डेविड ने सिर्फ 10 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के लगाते हुए आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से जीत दिलाई। कांगारू टीम के लिए डेविड वार्नर ने 20 गेंदों में 32, ट्रेविस हेड ने 15 गेंदों में 24, ग्लेन मैक्सवेल ने 11 गेंदों में 25 और जॉस इंग्लिश ने 20 गेंदों में 20 रन बनाए। बता दूं कि आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों की जरूरत थी, जबकि आखिरी गेंद पर उन्हें 4 रन चाहिए थे। ऐसे में टिम डेविड ने विनिंग फोर लगाते हुए करिश्मा कर दिया। बता दूं कि T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अपने आखिरी T20 सीरीज खेल रहे हैं। 1 जून से USA वेस्ट इंडीज की मेजबानी में शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर रचित रविंद्र का रौद्र रूप देखने को मिला। बाएं हाथ के इस भारतीय मूल के ऑलराउंडर ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के पर छक्के उड़ाते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 68 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान रचित रविंद्र ने 29 गेंदों में अपना पहला T20 अर्धशतक जड़ा। तीसरे नंबर पर उतरे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मिडल ओवर्स में 194 की औसत से 2 चौके और 6 करारे छक्के जमाए। आउट होने से पहले उन्होंने एक ही ओवर में स्पिनर एडम झाम्पा को रिमांड में लेते हुए 3 लगातार सिक्स जड़ाए। बता दूं कि उन्होंने पहले 16 गेंदों में सिर्फ 14 ही रन बनाए थे और फिर उन्होंने जल्द ही लय पकड़ी और अगली 19 गेंदों में 54 रन बनाए। रचित रविंद्र अब न्यूजीलैंड के लिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन चुके हैं। वैसे कि आपने ये मैच लाइव देखा है या नहीं, कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।